हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी 6 सीरीज स्मार्टफोन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्मार्टफोन है आपको 5 मार्च को फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे इस स्मार्टफोन में हमें वीवो के Z1 प्रो की तरह या फिर इंफिनिक्स के S5 की तरह आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलने वाले। और यहाँ पे ये जो 6 प्रो आने वाला है रियलमी का 6 प्रो, इसमें हमें डुअल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलने वाले, जैसा कि रेडमी के K30 में आपको देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ आपको जो सैमसंग का एक नया स्मार्टफोन आया है उसमें भी आपको डुअल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल रही है, बिल्कुल उसी टाइप की आपको रियलमी 6 प्रो में भी देखने को मिल रही है डिस्प्ले। और यहाँ पे अगर बात करें इसकी डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट की, तो यहाँ पे इस डिस्प्ले में आपको 90Hz की फुल HD प्लस की डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ 90Hz की रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगी, जो कि नॉर्मल स्मार्टफोन से आपको 50% फास्टर रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाली है, जिससे आपको स्मूथिंग में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे आपको पीछे की ओर 64MP का कैमरा देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको अल्ट्रा वाइड लेंस और माइक्रो लेंस और साथ ही साथ आपको टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे 64MP के कैमरे के साथ में आप रियलमी 6 हो या रियलमी 6 प्रो, दोनों ही स्मार्टफोन में आप 20F का डिजिटल जूम कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रंट में अभी तक मेंशन नहीं किया गया है कि आपको कितने मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है आपको 32MP के कैमरे के साथ में इन डिस्प्ले सेल्फी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे इस स्मार्टफोन की खास बात यह है कि इसमें आपको 30W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, जो कि आपको 15 मिनट में 40% बैटरी चार्ज करके दे देगी। लेकिन यहाँ पे अभी तक ये मेंशन नहीं किया गया कि हमें इस स्मार्टफोन में कितने mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है। और ये जो स्मार्टफोन है आपको फ्लिपकार्ट पे 5 मार्च को 12:30 बजे देखने को मिल जाएगा।